अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ज्यादा अरख एक नए प्रोसेस से। हाँ जी, एक न्यू मेथड से हम ज्यादा अरख निकालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन शुगर और उसके साथ टी पाउडर। हाँ, ये दो ही है हमारे आज के मेन इंग्रेडिएंट्स। आज हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को यूज करके ज्यादा अरख निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्राउन शुगर। मैक्सिमम आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं, किसी को नहीं पता, तो ये मैंने डीमार्ट में बाय किया हुआ है। देख सकते हैं आप, इसका प्राइस 500 ग्राम पैकेट 50 रुपीस। इसको हम स्वीट डिशेस में फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर कुछ हार्मफुल नहीं, बस गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर और शुगर का पाउडर मिक्स किया हुआ होता है। इसे अरख बनाने से आप लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, आप लोग कहते हैं कि गुड़ साइडों से उबलता है, क्या हम गुड़ यूज करते हैं तो डबल प्रोसेस अप्लाई करना जरूरी होता है। गुड़ को यानी जैगरी को लेकर आप लोगों के जितने भी डाउट्स रहेंगे, हम इस वीडियो में गुड़ को कंप्लीट से स्किप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ टी पाउडर। आप लोगों को लास्ट बार भी बता चुकी हूँ कि ये इलायची वाली टी पाउडर है। आप अपने पास यानी किचन में जो टी पाउडर अवेलेबल रहेगा वही यूज कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपने लिए यानी वीडियोस पर्पस के लिए पर्सनल बाय करके रख लिया था, तो इसीलिए ये टी पाउडर बार बार यूज कर रही हूँ। बस इतना ही। आप लोग मत सोचे कि क्या इलायची वाली ही टी पाउडर यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए जी, अब हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये देखें, आप जानते ही हैं, मैंने एक परमानेंट बाउल रख लिया था अरख निकालने के लिए, और ये सेंटर में रखने के लिए, उसके ऊपर रखने के लिए एक छोटा सा स्टील बाउल। सेंटर में रखने के लिए इस तरह का रिंग अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। एक छोटा सा दिया मिट्टी का जो होता है, उसको भी हम सेंटर में रख सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल डाल सकते हैं, जितना चाहे आप, यानी बाउल के कैपेसिटी के हिसाब से डाल दीजिएगा। क्योंकि इसके अंदर गुड़ जैगरी नहीं है तो उबलने के चांसेस भी नहीं होते हैं। हम जितना चाहे, तो देखें इसके अंदर इस तरह साइडों से डाल दीजिए और सेंटर में ये छोटा सा स्टील बाउल को रख दीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन रूम में। हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले के एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए। जो भी पाउडर्स हो, इंग्रेडिएंट्स हो, आप यूज करने के बाद उसको वैसे ही मत छोड़ दीजिएगा। जिस तरह मैं यहाँ पर बता रही हूँ उस तरह अच्छे से फोल्ड करके सेलो टेप से कवर करके रख लीजिए। या अगर आपके पास कोई भी एक प्लास्टिक कंटेनर यानी एयर टाइट कंटेनर रहा, उसके अंदर रखकर स्टोर कर दीजिए। क्योंकि पैकेट्स को ऐसे ही छोड़ देने से क्या होता है, उसका फ्रेशनेस भी चले जाता है और उसके अंदर जो स्मेल रहती है वो भी चले जाती है। आप लोग पूछते हैं कि आप किस तरह स्टोर करते हैं, क्या फिर हम इसको रीयूज कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ही ये छोटा सा क्लिप आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बस इस तरह पैक कर लीजिए, फिर से हम अरख बनाते वक्त यूज हो जाएंगे। तो चलिए जी, हमारे मेन अरख की तरफ। यस, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यही यानी पुरानी सी ओल्ड कढ़ाई रख रही हूँ। क्योंकि आप जानते हैं जो नीचे वाले बॉल पर ये अच्छे से सेट होके बैठ जाता है। हाफ कढ़ाई पानी फिल कर दीजिए, 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद देखें, ज्यादा से ज्यादा भाप आ रही है। इसका मतलब है हमारा मिक्सचर पकने यानी कुक होने और टाइम लगेगा। तो देखें, बेहतरीन अरख आ रहा है और साइडों से मिक्सचर भी कच्चा दिख रहा है। यानी और एक 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ढाप के ऐसे ही रखेंगे। यस, कंप्लीट से 20 मिनट हो गए। तो देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन अरख आया है। और हाँ, आप लोग पूछ रहे थे ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि साइडों का मिक्सचर अच्छे से कुक हुआ या नहीं। जैसे हम केक इडली को चेक करते हैं वैसे ही इस तरह स्पून को डिप करके ये देखें कितना नीट आया हो।
फ्लेम ऑफ करने से पहले लास्ट स्टेप इस तरह कीजिएगा, जस्ट 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर दीजिए, बस 1 ही मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं। ऐसा करने से जो साइडों में अगर कहीं बचा हुआ रहा अरक नहीं पके तो वो भी पक जाए। 1 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करते ही इमीडिएटली हम अरक को नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर के लिए कढ़ाई को वैसे ही ढक के रखेंगे। यहाँ पर देखें किस तरह ड्रॉप वाइज गिर रहा है अरक, तो इसी तरह हीट जितनी देर रहेगी बाउल में उतना अरक कलेक्ट होते रहेगा। हाँ जी, कंप्लीट से ठंडा होने के बाद यहाँ पर अरक के बाउल को थोड़ा देख संभल के निकाल लीजिएगा, क्योंकि इधर उधर हो जाने से अरक गिरने के चांसेस भी होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन अरक निकला और कितना डार्क कलर में आया हुआ है। अरक परफेक्ट निकला या नहीं चेक करें तो देखें इस तरह एक वाइट स्पून में ले लीजिएगा, तो देखें सेंटर में ब्लैक, आउटसाइडों से रेड कलर वाली सर्किल। ये एक छोटा सा तरीका है हम अरक को चेक करने का कि हमारा अरक सही से निकला या नहीं। तो अब देखते हैं अरक निकला कितना। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, देखिए 50 ml अरक 88 टाइम हम निकाल सके। हेना पेस्ट को आज हम 2 तरीके से बनाकर देखेंगे। एक होगा हाथों पर अप्लाई करने के लिए और एक दूसरा होगा नेल्स पर, यानी नाखून की मेहंदी। तो दोनों को 2 बॉल्स में अलग डाल दी। तो आप यहां से जानते ही हैं कि नेल्स मेहंदी यानी नाखूनों पर अप्लाई करने वाली मेहंदी को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, यानी अरक के अंदर मैदा मिक्स करते हैं। मैदा मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ब्लैक कलर वाला अरक किस तरह चेंज हो गया है ब्राउन कलर में। ब्राउन तो ब्राउन, बहुत ही डार्क कलर वाला ब्राउन हो गया। हमारा प्रिपेयर किया हुआ अरक जितना डार्क कलर में जितना अच्छा निकलेगा, उसके बाद जब पेस्ट बनाते हैं तो उतना ही डार्क कलर में आएगा नेल्स मेहंदी पेस्ट का कलर। आप लोग पूछ रहे थे कि कितने अरक में कितना मैदा ऐड करना होता है, तो दोस्तों देखें पेस्ट बनाने के बाद इस तरह नेल्स पर अप्लाई करके देख लीजिएगा, पेस्ट हमारे नेल्स पर से स्लिप ना हो जाए, यानी पिसल नहीं जाना चाहिए, पेस्ट हमारे नेल्स पर बैठ जाना चाहिए। बस इतना ही हमें मैदे को ऐड करना है। अगर ज्यादा मैदा हम ऐड करेंगे तो पेस्ट टाइट हो जाएगा और स्टेन आने में बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा। तो अब चलते हैं हम हाथों पर अप्लाई करने वाली मेहंदी। हाँ जी, अरक के अंदर हमें ऐड करना होगा हेन्ना पाउडर। अगर आप डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हेन्ना को और साथ ही साथ अरक को भी यूज़ करने से पहले यानी मिक्स करने से पहले स्टेन करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अरक बनाते वक्त भी बारीक से छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह आते हैं। नेल्स मेहंदी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, बट हाथों पर अप्लाई करने के लिए स्टेन करना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर कैप्स लगा के बताऊँगी तो इसलिए इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने स्टेन नहीं किया। हाँ जी, आप जब चाहे तब लगा लें, बट पेस्ट बनने के बाद इसको ऐसे ही मत छोड़िएगा, क्योंकि हमारा पेस्ट सूख जाएगा और टाइट भी हो जाएगा, चाहे हाथों पर लगाने वाली हो चाहे नेल्स पर लगाने वाली हो। कोन्स बना के उसके अंदर तो फिल करके रख लीजिए, या छोटी सी एयर टाइट डिब्बी में स्टोर करके रख लीजिए। ये देखें लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था नेल्स मेहंदी पेस्ट, आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप पहचान सकते हैं यही वो बॉल है। तो देखें इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, यानी स्टोर भी नहीं किया, कोन भी बना के फिल नहीं की। तो देखें नेल्स मेहंदी पेस्ट यानी ऊपर बहुत सारी सूख गई थी और अंदर भी सूखने आ रही थी। तो यही होता है, हमारा अरक भी बेकार होता है और जो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं वो सब कुछ बेकार हो जाता है। इसीलिए आप जब चाहें तब अप्लाई कीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस तरह हवा को मत छोड़िएगा वरना यही हाल होगा। अब आते हैं हम थोड़ा ये सफाई के तरफ। आप लोग पूछते हैं कि हमारे बॉल ख़राब हो गए, हमारे बर्तन जल गए, तो देखें बहुत ही सिंपल से आसानी से निकल जाएगा। ये देखें कितना आसानी से निकल गया।
हाँ, ये अलग सी बात है कि हम जो भी बॉल्स अरक बनाने के लिए यूज करते हैं उसको हम रिमाइनिंग किचन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, बट आप इस तरह क्लीन करके फिर से अरक निकालना आसान हो जाएगा। जिस दिन आप अरक बनाते हैं उसी दिन, यानी गर्म पे नहीं, कंप्लीट से ठंडा होने के बाद इस तरह क्लीन करके रख लीजिएगा। हाँ, वॉश करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इस बाउल को सनलाइट में रख दीजिएगा, जो हमारा ये क्रंची क्रंची पाउडर रहेगा सब कुछ और अच्छे से साफ हो जाएगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी है, बट आप लोग कंप्लीट से देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत यूज़फुल रहेगा। जिसको भी गुड़ नहीं मिल रहा है, जैगरी से अरक बनाना बहुत ही प्रॉब्लम दिख रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। तो देखें, हमारे बॉल्स हो गए क्लीन। अब जो सेंटर में रखे थे हम, उसको एक दो घंटे के लिए पानी में भिगा कर रख दीजिए, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर मॉर्निंग टाइम प्रिपेयर किया था, यानी वीडियो शूट की थी, तो मैं अब अप्लाई नहीं करूँगी। नेल्स मेहंदी का स्टेन डार्क आने के लिए आपको नेल्स मेहंदी नाइट टाइम यानी रातों के वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि पेस्ट जितनी देर हमारे नेल्स पर स्टे करके रहेगा, स्टेन उतना ही डार्क आएगा। यस, नाइट टाइम सोने से पहले अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं अप्लाई करूँगी हैंड्स पर लगाने वाली मेहंदी। अरक से प्रिपेयर किया हुआ मेहंदी को हम हाथों पर लगा सकते हैं क्या? इससे पीलिंग प्रॉब्लम होती है क्या? आप देखें, मैं नेल्स मेहंदी को अप्लाई कर रही हूँ। वैसे मेरे नेल्स पर पहले से ही नेल्स मेहंदी लगी हुई है, बट आप लोगों को मैं डिफरेंट दिखाना चाहती हूँ कि इमीडिएटली इस तरह नेल्स मेहंदी रहने पर भी लगाने से किस तरह चेंज होता है। तो यहाँ पर थोड़ा स्किन पर भी अप्लाई करके आप लोगों को स्टेन बताऊंगी। नाइट टाइम सोने से पहले अप्लाई कर रही हूँ, स्टेन देखेंगे सुबह में। यस, फजर का टाइम था तो मैं रिमूव कर रही हूँ मेहंदी को। तो देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है। आप लोग पूछते हैं ना कि इसे पीलिंग प्रॉब्लम होगी क्या, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टेम्परेचर। अगर आपकी बॉडी हीट रहेगी तो ये पीलिंग हो सकती है। तो देखिए नेल्स पर लगी हुई और हैंड्स पर दोनों का स्टेन भी आप देख लीजिए। ये है नेल्स मेहंदी एंड हैंड्स मेहंदी का फ्रेश स्टेन। और देखें, जो मैंने नाखूनों पर लगाया है उसको भी निकाल के दिखा रही हूँ। जैसे ही नेल्स मेहंदी जाना शुरू हो जाएगी, यानी हमारे नेल्स ग्रोथ होते रहेंगे, तभी आप इस तरह नेल्स मेहंदी लगा लीजिएगा, कवर हो जाएगा। और देखें जैसे जैसे टाइम लेते गया स्टेन। और हाँ, ये देखें मेरे नेल्स का कलर, दोनों हाथों में डिफरेंट देख लीजिए। इस तरह थे मेरे नेल्स और एक ही टाइम अप्लाई करने के बाद किस तरह चेंज हो गए। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल दिखी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।